I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में, जहां पर आज हम करेंगे इस वर्ड गाइड एनिमे के एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं त्सुकियो को है वो बैक स्टोरी सुनाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि एक फैमिली थी जिसमें उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके पास मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, जैसे नॉर्मल आदमी के पास होती है, तो उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तभी उसकी मॉम ने उसे तलवार दी थी, लेकिन उसकी मॉम ये बोलती थी कि इस तलवार का सही कामों में यूज़ करना, मतलब इस तलवार के अंदर बहुत पावर थी। तो वो लड़का सही काम करता है, वो एक जंग में 100 आदमियों को अपने सिंगल हाथ से ही मार देता है। लेकिन एक बार तो ये सीन हो जाता है कि उसकी जो बीवी रहती है वो धोखा दे देती है, एंड उसके बाद भाई को देखा नहीं जाता, एंड भाई लेता है बदला, भाई सबको मार डालता है। एंड उसके बाद जो भाई रहता है वो पागल हो जाता है, एंड वो सबसे पहले अपने गांव वालों को मारता है, एंड धीरे धीरे वो पूरे विलेज, पूरे शहर, पूरे देश को ही मारना स्टार्ट कर देता है, एंड एट द एंड वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो पागल आदमी अपने आप को भी मार लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें नाओकी एंड मार्कस को दिखाया जाता है, जो कि गोल्ड स्लिप के बाद उन्हें मिशन मिला हुआ है, जहाँ पर उन्हें यही वेपन को ढूंढना है। एंड देखते हैं कि इसमें जो नाओकी की गर्लफ्रेंड मतलब मीना है वो भी शामिल है, जहाँ पर जो बॉस आदमी है उसके लिए वो सर्व कर रही है, उसका ख्याल रख रही है, मतलब समझ रहे हो ना, असिस्टेंट वगैरह, डॉक्टर, जो भी बोलो बनी हुई है फिर। एंड फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें यूजी को एंड गाय को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपने यूजी को रहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है कि वो क्या क्या बोली थी। वो ये बोली थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, एंड मुझे लगा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन जब मैं तुम्हें देखी तो मैं पहले ही समझ गई कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो। एंड उसके बाद यूजी को फिर से अपने मतलब ख्याली प्लाव से बाहर आ जाता है, एंड फिर वो गाय से पूछता है, सुनो गाय, तुम कोल्ड स्लिप में जाने से पहले कुछ करना चाहते हो? तो उसके बाद गाय बोलता है कि नहीं, मैं मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गाय को लिटरली क्या पता कि कितने साल रहना है। तो उसके बाद यूजी को बताता है, देखो तुम यहाँ जो बाहर बिल्डिंग देख रहे हो ना, जब तुम कोल्ड स्लिप के बाद यहाँ पे आओगे ना, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कितना सब कुछ बदल चुका होगा। और गाय को मतलब अभी थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि क्या होता है कोल्ड स्लिप वगैरह। तो उसके बाद यूजी को बोलता है कि देखो, तुम एक बार कोल्ड स्लिप में चले गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम वर्जिन नहीं रह जाओगे। शायद अब हमारे गाय चीजा के दिमाग में कुछ घुस रहा होगा, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, वो भूसा से भरा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नाओकी अपने सिंगल गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है। हमारे को कहाँ जलन हो रही है भाई, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो उसे देती है पासवर्ड, जो कि मतलब उसके अंदर ही वेपन रहता है, मतलब उसे बहुत ही मस्त सील्ड तरीका से मतलब रखा गया है, सिक्योरिटी वगैरह। तो उसके बाद जो हमारा मार्कस रहता है उसकी भी जली पड़ी रहती है, साथ में अपनी भी पड़ी हुई है, कमेंट करके बताना। तो उसके बाद मार्कस बोलते हैं, ओ ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तो उसके बाद नाओकी बोलता है कि बेटर होगा कि तुम उससे मतलब प्यार ना कर लेना, वरना मैं तुमसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद मार्कस बोलता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। सही बात है। तो उसके बाद देखते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत मस्त पहरेदारी दे रहा है, चाय की चुस्की लेते हुए, लेकिन अपने यहाँ पे मार्कस सही से दिमाग लगाता है, वो अपनी तलवार का यूज़ करता है, अपने थोड़ा से पावर का यूज़ करता है, जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, एंड मार्कस को भी मतलब की नाओकी को भी कर देता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कैमरा में कुछ भी नहीं दिखता है, एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लोग रूम के अंदर जाते हैं पासवर्ड खोल के। तो वहाँ पे एक टनल रहता है, जहाँ से मतलब घर के अंदर जो टनल होता है ना, उसी से मतलब ये लोग जा रहे हैं उस रूम के अंदर, जहाँ पर देखते हैं अपना मार्कस बोल रहा है कि मैं इतने रिच फैमिली में था, मुझे तो ये बिलोंग भी नहीं करता था, मेरे को क्या क्या ये चोरों वाला मतलब काम करना पड़ा है, मतलब चुना लग गया इसके लाइफ के साथ। मार्कस से मतलब नाओकी से वो बोलता है कि तुम पादना मत, तुम जैसे चल रहे हो ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद नाओकी बोलता है, तुम शांत रहोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग लॉकर रूम में पहुंच चुके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा पासवर्ड रहता है, जो कि उसका आंसर इन लोग के पास भी नहीं है, ना ही मीना के पास है। अब मीना को पता नहीं है कि अब कौन सा पासवर्ड है, मीना ने अपनी मतलब पूरी जानकारी के हिसाब से तो कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा पासवर्ड है। अब यहाँ पे मार्कस अपना बुद्धि का यूज़ करते हैं, अपनी आँख को जाके लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं होता, और उसके बाद एरर दिखाता है, यार घंटा बजना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से सर पॉइजन टाइप की गैस निकलती है उन्हें, मतलब थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एंड उसके बाद जो अपना नौकी रहता है वो मार्कस को बोलता है तुम शांत रहो, हमें मीना के ऊपर भरोसा करना होगा। एंड उसके बाद वो मीना से बोलता है कि मीना तुम जल्दी से पासवर्ड ढूंढो, आसपास तुम्हें मिल जाएंगे शायद से। तो उसके बाद जो मीना रहती है वो जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू करती है। एंड सच में भाई मीना मतलब हेल्प तो कर रही है, लेकिन वो हक देती है, लिटरली हकती नहीं है मतलब पकड़ा जाती है। जो वहाँ का बॉस रहता है वो पोजेस रहता है, और उसके अंदर ही वो डीमन का स्वॉर्ड रहता है, वो पोजेस हो चुका रहता है उस डीमन स्वॉर्ड से। तो उसके बाद वो बोलता है कि मीना तुम सच में बहुत ही चोर निकली, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसी हुई। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें कुछ गलत सीन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी आंखों का अजीब तरीके से होती है। एंड उसके बाद मीना को भी समझ में आ चुका है कि ये पोजेस्ड है। एंड उसके बाद ये बता देती है कि नौ कि मेरी हेल्प करो, मैं खतरे में आ चुकी हूँ, यही मतलब पोजेस्ड है, इसके पास ही वो हथियार है। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे तो पहले से पता था तुम्हारे इस प्लान के बारे में, एंड मैंने अपने बंदे भी ऑलरेडी भेज दिए थे, लेकिन नौ कि एंड मार्कस वहाँ से भाग चुके रहते हैं बचाने के लिए मीना को। फिर यहाँ देखते हैं कि यह आदमी मतलब मीना के ऊपर भारी पड़ रहा है, एंड मीना के पास तो कोई पावर भी नहीं है लिटरली। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो मैं मार डालूंगा, एंड उसके बाद तुम्हारे उन दो दोस्तों को भी मार दूंगा। लेकिन भाई गर्लफ्रेंड का मामला है, यहाँ पे नौ की तुरंत आ जाते हैं, और उसके बाद नौ की मस्त हीरो वाली एंट्री लेके मारते हैं उस बॉस को। लेकिन वो बॉस भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास जो वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो हमारा नौकी रहता है वो मीना को बचा लेता है, लेकिन वो खुद इंजर्ड हो जाता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मीना तुम पीछे हट जाओ, मैं इससे फाइट करता हूँ। एंड लेकिन वहाँ पे अपना मार्कस सही दिमाग लगाता है, इस बार सही दिमाग लगाता है, एंड पीछे से आके वो हेडशॉट दे देता है अपने तलवार से, हेडशॉट जो भी बोल लो, काट देता है उसका चेहरा को। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि वो जो वेपन रहता है वो चला जाता है नौकी के अंदर। सीन तो ये है क्योंकि नौकी के अंदर एक पहले से ही वेपन था, अब ये वाला वेपन चला गया, मतलब नौकी के पास अब दो वेपन हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो नौकी रहता है वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भी ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है मीना तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बेबी। लेकिन उसके बाद मार्कस का थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऑफकोर्स लगेगा, उसका तो कटा हुआ है एंड यही ज्ञान दे रहे थे क्या कर सकते हैं। तो मार्कस बोलता है कि मैं चलता हूँ, और वो बोलता है कि तुम लोग अपना लाइफ इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ, तब तक थोड़ा सा घूम के आता हूँ। क्या ही कर सकते हैं यार, मुझे बोलने में भी इतना ऑकवर्ड लगता है ना ये, लेकिन करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए, तो लाइक कर देना। तो उसके बाद वो बोलता है नौकी कि सच में मार्कस काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो चुका है। एंड उसके बाद वो फिर से पूछती है क्या तुम सच में ठीक हो मीना। तो उसके बाद नौकी बोलता है आँख मार के कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे झटका लग रहा है, क्योंकि दो वेपन मतलब दो कर्ज वेपन उससे बोल रहे हैं कि मारो मारो मारो, किसको मारो और किसकी जान लो भाई, गलत नहीं सोचने का। फिर उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग फिर से डेट कर रहे हैं, एंड खूब मस्त सब घूम रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसी वाइब आ रही थी इस एपिसोड को देखने के बाद कि इसका कुछ सैड एंडिंग होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई समझ लो। फिर उसके बाद देखते हैं कि यार ये लोग मस्त सा मतलब घूमते हैं, एंड उसके बाद फिर से बहुत गंदा सीन होता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नौ की चचा अपना दिमाग लगाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, और मेरे को बस दो ही बच्चे चाहिए। समझ रहे हो ना भाई लोग समझ गए हो तो भाई समझदार को ये सारा ही काफ़ी होता है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद वो लोग करना करतूत करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत गलत टाइम रे 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 बूसामा अंदर से आता है, एंड वो बोलता है कि उसे मार दो मार दो। दोनों लोग बोलने लगते हैं मार दो उसे मार दो, एंड उसके बाद ये ओवर कंट्रोल चला जाता है। तो नौकी बोलता है कि मीना तुम वहाँ से भागो, एंड मीना को समझ नहीं आ रहा है, एंड मीना नहीं भागेगी, चूतिया है ना भाई, नहीं भागी यार, लिटरली वहीं वहीं पे खड़ी रह गई। एंड जो अपना नौकी रहता है वो पूरी तरह से ओवर कंट्रोल हो जाता है, एंड पहले तो बहुत ज़्यादा बिजली निकलता है, नौकी बहुत ओवर रिएक्ट करता है सीरियसली ब्रो, बहुत ओवर रिएक्ट होने के बाद देखते हैं कि नौकी के अंदर से वो दो वेपन आ चुके रहते हैं, एक तो वो थॉर जैसा जो वेपन था, और एक जो भाला रहता है, एंड उसके पास जो तलवार पहले से ही थी, मतलब नौकी तो पहले ही बहुत स्ट्रांग था, ये दूसरा वेपन मिलने के बाद तो वो दोगुना स्ट्रांग हो चुका है, बट बात यह है कि वो अब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें इचिगो को दिखाया जाता है, इचिगो मतलब बहुत शांत रहता है। एंड उसके बाद जो अपना गाय रहता है वो सोचता है कि वेल
मैं उन लोग से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, और अगर मैं मिलूंगा तो क्या पता वो जिंदा रहें या ना रहें, और क्या पता मास्टर टपक ना जाए। मजाक कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत सोचता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गाय अभी बहुत सेल्फिश है। फिर देखते हैं कि उन्हें मैसेज आ चुका है कि मतलब उन्हें मिशन मिल चुका है कि जाकर नौकी को बचाओ। तो उसके बाद हमारे को पता चलता है इचिको बोलता है कि चलो गाय अब टाइम हो चुका है कुछ करने का। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारी मिन्ना दीदी पार्क में अकेले घूम रही हैं, इन्हें पता नहीं है कि शाम को अकेले नहीं घूमते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं नौकी, नौकी तो पोजेस हो चुके हैं। एंड वो देखते हैं कि वो पकड़ाया जाता है और चिल्लाता और चिल्लाता है। एंड उसके बाद वो अजीब तरीके से वेव निकालता है, मतलब बहुत ही डार्क हॉरर रहती है, जिससे वो अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है। लिटरली सीन है भाई, बोलना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो दीदी बहुत दूर जाके फेंकाती हैं और वो बोलती हैं कि प्लीज़ नौकी तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है तुम अच्छे हो, तुम भूल गए। एंड उसके बाद देखते हैं कि नौकी को अभी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लिटरली तुम क्या बोल रही हो। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ सही टाइम पे आ जाता है मार्कस एंड बोलता है कि नौकी तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे लड़ सकते हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो मार्कस रहता है वो भी हक देता है एंड वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लिटरली उसके पास दो स्वाड है एंड तेरे पास तो फुल पोटेंशियल भी नहीं अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, क्या सोच के जा रहे फाइट करने। उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है लेकिन वहाँ पर दुगड़ा मार जाते हैं एंड वहां पे सही टाइम पे लाइटनिंग चाक्रा, मतलब आप समझ रहे हो, इचिगो आ चुका है। एंड उसके बाद इचिगो ये बोलता है कि वेल तुम्हारे पास दो दो वेपन है। उसके बाद इचिगो हंसते हुए बोलता है कि वेल मैं ही तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अब गलत नहीं सोचने का दोस्तों। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो अपना नाओकी है सैडली वो अपने आप को भूषामा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी बंदा अगर भूषामा बन गया तो वो उसको मारना ही पड़ेगा, वो मरेगा ही मरेगा, आप उसे मारना पड़ेगा, मतलब उसका पूरा तरीके से कंट्रोल चला गया है उसके शरीर से। एंड उसके बाद नौकी बोलता है यार गया ये तो, मतलब ये बंदा बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा नौकी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यार, लिटरली ये भारी पड़ता है इचिको के ऊपर, इचिको बहुत स्ट्रांग है, तो समझ रहे हो ना कितना स्ट्रांग हो गया होगा नौकी। तो उसके बाद देखने की जो नौकी रहता है उसके अंदर दो वेपन की पावर रहती है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा एंड तुम्हारे वेपन को भी मैं ले लूंगा। लीची को बोलता है कि तुम भूल गए रहे हो नौकी, तुम तो शांत रहते थे। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो भूसा मार रहता है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो और डिस्ट्रक्शन करता है, जो वो सेप रहती है वो फट जाती है, लिटरली इतना ओवर पावर सीन दिखाया जाता है। एंड वहां पे मार्कस बोलता है ओ भाई ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद जो गाय का हाथ है वो भी फड़फड़ाने लगता है, मतलब भाई फिर गलत नहीं सोचने का, गाय का हाथ इसलिए फड़फड़ाता है लिटरली उसके मतलब डार्क पावर को वो एब्जॉर्ब, मतलब वो समझ रहा है ना भाई डार्क पावर आ रही है, तो मतलब उसके शेडियो को लग रहा है कि गाय खतरे में है, तो अपने आप ही से वो सेंस कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा इचिगो है वो डबल चक्रा का यूज़ करता है, लेकिन वो जो अपना नौकी है वो बहुत स्ट्रांग है एंड वो इचिगो के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। जी हाँ, हमारा अच्छा खासा करेक्टर बहुत गंदा पीटते हुए देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो गाय रहता है वो उनको टंगड़ी अड़ाने की बहुत पड़ी रहती है, कंट्रोल तो कर नहीं पाते हैं, बस घुस गए फाइट के अंदर, अपने एक हाथ को लेके लगे फाइट करने नौकी से। एंड उसके बाद देखते हैं कि नौकी उसे एक घुसा में पीछे फेंक देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये हक चुके हैं एंड जो अपने नौकी रहते हैं वो एक बहुत ख़तरनाक सा बीम फेंकने जाते हैं, लेकिन सही टाइम पे आके इसी को उसे बचा लेते हैं। यूजलेस गाय, क्या बोले, मतलब इचिगो मतलब गिर जाता है और बहुत मतलब बहुत गंदा लगता है देख के लिटरली। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब सीन ये होता है ना कि मीना जाती है एंड वो उसे पकड़ लेती है एंड बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अच्छे हो, तुम कंट्रोल कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि तुम नौकी हो, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। एंड ये सुनने के बाद बेसिकली वो शांत हो जाता है, बहुत हद तक शांत हो जाता है, लेकिन सारा खेल का मतलब सारा क्रेडिट ले लेता है कौन, अपना गाय चचा, पीछे से आके मार देता है। अब हमें लगता है कि शायद नौकी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो मतलब कोई भी भूसामा बनता है तो उसे जब मारोगे तो वो गायब हो जाता है, लेकिन नौकी गायब नहीं होता है, नौकी वापस नॉर्मल हो जाता है। मतलब लिटरली इस एनिमे में है क्या यार, और ये सच में बहुत बड़ा एपिसोड था, मतलब इसे एक्सप्लेन करते करते मेरी हालत टाइट हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं जो नौकी है उसकी बॉडी का सीटी स्कैन होता है, जो भी बोल लो
तो हमें देखने को यह मिलता है कि जो नाओकी की बॉडी है, मतलब कि अगर हम थोड़ी भी देर करते तो एक कंप्लीट बुशामा बन जाता, तो उसके बाद तो इसको पूरी तरह से मारना होता। तो वहीं पर डॉक्टर वो बोलते हैं, मतलब ये दूसरे डॉक्टर हैं, मतलब ये गुशामा वाले डॉक्टर हैं समझ लो। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि अब हमें यही करना होगा, इसके शरीर से वेपन को हमें निकालना होगा कैसे भी करके। एंड उसके बाद देखते हैं कि नाओकी एंड उसके गर्लफ्रेंड मीना के बीच बात होती है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मुझे कोई हक नहीं तुम्हें प्यार करने का, मैंने तुझे चोट पहुंचाई है जाने मन। तो उसके बाद मीना बोलती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो पगलू, तुम ठीक हो जाओ। एंड उसके बाद नाओकी बोलता है कि वेल, मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी दो फैमिली, मतलब कि दो फैमिली बोल रहा हूँ, दो बच्चे रहें, एंड मैं कभी कभी पार्टी से आऊँ तो मैं ड्रंक करके भी आऊँ तो मेरी बीवी मुझे डांटे, लेकिन वो मुझसे प्यार भी उतना ही करे। फिर देखते हैं कि उन लोग फिर से कोल स्लिप में जा रहे हैं, जहाँ पे नाओकी एंड मार्कस भी जा रहे हैं। एंड अजीब तरीके की गैस दी जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में नाओकी मर जाता है कि जिंदा रहेगा, वो तो हमें आगे एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।